मैनोमीटर, मैनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग गैस। तो आप गैस का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, मैनोमीटर लगाएं। क्या है मैनोमीटर? बहुत सिंपल है, गैस रखें, प्रेशर बढ़ेगा। ये मरकरी है, जितना गैस का प्रेशर बढ़ेगा वो प्रेशर मरकरी पे पड़ेगा, मरकरी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। जो मरकरी है उसका जो लेवल है ऊपर उठता रहेगा। हायर द प्रेशर ऑफ द गैस, मरकरी का लेवल उतना ही ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक काम करना है, इसमें इसके अंदर आप यहां पे जो प्रेशर होगा ए पे, वो गैस का प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? गैस। तो गैस प्रेशर लगा रही है, तो ए पॉइंट पर गैस का प्रेशर है। तो हम एक लाइन खींच लेंगे यहां पे, ए और बी पे। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। ए और बी का प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं, वो तो बराबर बराबर मरकरी है, उसको क्या करना हमने। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहां पर गैस प्रेशर लगाएगी, जो भी यहां पर गैस प्रेशर लगाएगी और जो भी यहां पर एटमोस्फेयर प्रेशर लगाएगा और मरकरी की एच हाइट प्रेशर लगाएगी, वो दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए का मतलब गैस का प्रेशर, प्रेशर एट बी का मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। क्या स्टेप क्लियर है? तो एक सेकंड में क्या आ गया, गैस का प्रेशर आ गया। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक लाइन लिख लो बस। तो गैस का प्रेशर क्या आएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। और अगर मैं गैस का प्रेशर में से एटमोस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दूं, ये रहा, तो इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर। तो गैस का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। तो गैस का प्रेशर में से एटमोस्फेरिक प्रेशर को माइनस करके एच रो जी मरकरी का प्रेशर आएगा, वो गेज प्रेशर है। बस क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये मैनोमीटर है, कोई डाउट इसमें? तो मैनोमीटर में कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन खींच देनी है, ए और बी का प्रेशर बराबर कर देना है। ए पे गैस का प्रेशर होगा, बी पे इन दोनों का प्रेशर होगा, तो गैस का प्रेशर कैन इजली बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सपोज मैनोमीटर है, ये एक मैनोमीटर है। इस मैनोमीटर में यहां पर गैस है और यहां पर ऑयल है और गैस है। तो ये जो हाइट है 1 मीटर है, ये 1.5 है, इसके बाद मरकरी है, ये सारी हाइट्स गिवन है। आपको गैस का प्रेशर निकालना है, क्या होगा? एक बात बताओ, अगर गैस प्रेशर बढ़ाएगी तो ऑयल पे लगाएगी, ऑयल इधर प्रेशर लगाएगा और मरकरी की हाइट उतनी ऊपर उठ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, रूल नंबर वन, जहां मरकरी स्टार्ट होती है एक लाइन खींच लें, ताकि यहां और यहां ना लेना पड़े। तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर एकदम सेम है, तो ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है? ए पे जो प्रेशर है, एक तो ऑयल लगा रहा है और साथ में गैस लगा रही है। तो ए पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू गैस, गैस प्लस प्लस ऑयल का प्रेशर क्या होगा? ऑयल की हाइट क्या है? 1 और 1.5, वर्टिकल हाइट दिखनी होती है। तो ऑयल की वजह से क्या होगा, 1 प्लस 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो लेफ्ट हैंड साइड पर गैस का प्रेशर पी, जो भी पी प्रेशर होगा, प्लस ऑयल का प्रेशर वी कैन कैलकुलेट। गैस का यहाँ हाइट नहीं गिवन ना, वी कैन नॉट कैलकुलेट। तो ऑयल के लिए 1 और 1.5, टोटल 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब राइट साइड पे चलते हैं, बी का प्रेशर। बी में कौन आएगा? एक तो एटमोस्फेयर आएगा, एक तो यहां पर एटमोस्फेयर है, प्लस 0.75 प्लस 1.5। तो 0.75 प्लस 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। तो राइट साइड का प्रेशर भी क्लियर है। तो आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी मरकरी की भी गिवन है और ऑयल की भी गिवन है। तो यहां से आप गैस का प्रेशर निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। और कहीं अगर आपको ये पूछ लिया फाइंड गेज प्रेशर, तो इन दोनों को क्या कर लेना है, माइनस जो बचेगा वो आंसर। तो ऐसे काम करेगा मैनोमीटर। समझ में आ रहा है मैनोमीटर की प्रिंसिपल कैसे काम करेगा इसमें?